रूस यूक्रेन युद्ध का साइड इफेक्ट दुनिया के कई देशों को झेलना पड़ा है। कहीं अनाज की किल्लत हुई है तो कहीं गैस सप्लाई में दिक्कत आई। अब एक बड़ा खतरा कई देशों को और ज्यादा फिक्र में डाल दे रहा है। रूस ने ब्लैक सीज में जहाजों को रोकने के लिए सी माइंस का इस्तेमाल करना शुरू किया था। समुद्र की सतह पर तैरती हुई बारूदी सुरंग अब लहरों के साथ बहकर दूसरे देशों तक पहुंच गई है। कई जगह धमाके हुए हैं। अब खतरा यह भी है कि रूस की बारूदी सुरंगों की चपेट में कहीं कोई टूरिस्ट बोट ना आ जाए। मछुआरों के नाव और कार्गो शिप भी इसकी चपेट में आकर डूब सकते हैं। और खुलासे के मुताबिक 400 से ज्यादा समुद्री बारूदी सुरंगें ब्लैक सी से निकलकर दूसरे समुद्रों तक जा चुकी हैं। न मिसाइल गिरी, न किसी फाइटर ने बम गिराया, फिर भी समंदर की लहरों के बीच अचानक हुआ जोरदार धमाका। इन दो तस्वीरों में धमाके की एक कॉमन वजह है और वो है समुद्र में लगाई जाने वाली बारूदी सुरंग। समंदर की सतह पर तैरती बारूदी सुरंग किसी भी युद्धपोत को भेद सकती है। किसी भी कार्गो शिप को डैमेज कर उसे डुबा सकती है। भारी भरकम युद्धपोत को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। ये बारूदी सुरंग जमीन पर बिछाई जाने वाली माइंस की तरह ही काम करती है। किसी भी चीज से टकराते ही इनमें धमाका हो जाता है। युद्ध के दौरान माइंस का इस्तेमाल दुश्मन की बोट या युद्धपोत को तबाह करने के लिए होता है। रूस ने ब्लैक सी में भी बारूदी सुरंग लगाई है। बारूदी सुरंग समुद्र की तेज लहरों में बह रही है। रूस की कुछ बारूदी सुरंग समुद्र में खो भी गई थी। रूस की खुफिया एजेंसी के एक अफसर ने खुलासा किया था कि समुद्र में रूस की 400 से अधिक बारूदी सुरंग बह गई थी। अब ऐसी सुरंग समुद्र की लहरों के साथ बहकर दूर तक चली गई। जॉर्जिया के बटूमी में एक बीच पर ऐसी ही बारूदी सुरंग में धमाका हुआ। बीच पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जॉर्जिया से लेकर भूमध्य सागर से बारूदी सुरंग पहुंचने की आशंका है। यूक्रेन के ओडेशा के तटों पर भी कई बारूदी सुरंग मिली। समुद्र में बारूदी सुरंग बड़े हादसे की वजह बन सकती है। ब्लैक सी में बारूदी सुरंग बहकर किधर गई ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब धमाका ब्लैक सी से 1000 मील दूर हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्लैक सी से निकलकर कई बारूदी सुरंग भूमध्य सागर तक पहुंच गई होंगी। अब रूस की सी माइंस समुद्र में कहां कहां मौजूद हैं, इनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। खतरा इस बात का है कि कहीं किसी माइन से पर्यटकों की नाव न टकरा जाए। पानी के भीतर बारूदी सुरंग लगाने का मकसद स्पीड बोट और दुश्मन के युद्धपोत को नष्ट करना होता है। ऐसी शक्तिशाली माइन से किसी मछुआरे की नाव या कोई फेरी टकरा जाए तो उस पर मौजूद लोगों की जिंदगी नहीं बचेगी। खतरे की बात यह है कि पानी में लगातार रहने के बावजूद माइंस बरसों तक खराब नहीं होती। माइंस से मामूली टक्कर होते ही इसमें जोरदार धमाका होता है। माइंस बड़े जहाज और युद्धपोत को भी डुबोने की ताकत रखती है। यूक्रेन ने ओडेसा में रशियन माइंस को बरामद किया था और सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन भी चल रहा था, लेकिन तूफान की वजह से माइंस बह गई और अब अथाह समुद्र में जहां तहां मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।